बोलिए हरे के सहारे की। देखिए भक्तों, बड़ा सौभाग्य है आप सभी का जो आपने इस पावन प्रांगण में बाबा खाटू नरेश का जागरण जाया। बड़ा सौभाग्य है, सबसे पहले इस पावन प्रांगण में बैठे अतिथियों को मेरी तरफ से खाटू नरेश की जय। सभी को प्रणाम करती हूँ, सभी के चरणों में वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि माता बहनों के चरणों में बोली सच्चे दरबार की। और देखिए बड़ा सौभाग्य है। और कहते हैं भक्तों कि जब भी कोई शुभ कार्य किया जाता है तो सर्वप्रथम अपने गुरु को मनाया जाता है। अपने गुरु के चरणों में दो शब्द रखूंगी, बोलिए गुरु महाराज की। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः नमः। बोलिए गुरु महाराज की। जिन्होंने हमें सुंदर कंठ प्रदान किया है उनके चरणों में दो शब्द रखूंगी, केश्वर की दाता माँ सरस्वती, केश्वर की दाता माँ सरस्वती, स्वती मुझे ज्ञान देवा करके मेरे कंठ में वा, मुझे तार दे मेवा। बोली सरस्वती महारानी की जय हो। भैया अभी को कम करते हैं। देखिए भक्तों, दुनिया के हॉस्पिटल में जाओगे तो डॉक्टर आई एम सॉरी बोल सकता है, मगर ये ऐसा हॉस्पिटल है जहां आई एम सॉरी का कोई मतलब ही नहीं। दो शब्द बाबा की सार में रखूंगी, अच्छी लगे तो तालियों से आशीर्वाद छोड़ूंगी। ध्यान से सुनिएगा, दुख जो गम की कतार देता है, दुख जो गम की कतार देता है, जिंदा लोगों को मार देता है। ए भक्त मांगने मेरे सामने सरकार से, इतना दयालु है कि जिंदगी भी उधार देता है। दो शब्द और रखूंगी बाबा की शान में, आपका तालियों से आशीर्वाद छूंगी। तेरे दरबार से सीखा मैंने गम में मुस्कुराना। अंकल जी, तेरे दरबार से सीखा मैंने गम में मुस्कुराना। मुझे मिटा ना पाया ये गर्दिशे जमाना। अब बाबा तेरे चरणों से मुझे मोहब्बत हो गई है, क्योंकि मेरे हक में आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तेरे दर पे और कहते हैं भक्तों, बड़ा सुंदर भजन आपके सामने रखना चाहूंगी। देखिए, एक भक्त हमेशा खाटू धाम जाया करता था, कहता था कि ना जाने कब आएगा, कब मुझको अपने गले से लगाएगा। उसका ऐसा भाव कि ना जाने कब खाटू वाला आएगा, मुझे अपने गले से लगाएगा, इस प्रकार का उसका भाव रहता था। और रो रो कर फरियाद करता था, पता नहीं कब आएगा। एक दिन खाटू नरेश खाटू श्याम उसकी झोपड़ी में आया, और जैसे ही बाबा आया सांवर आया, उसके हाथ पांव फूल गए। और बाबा से किस प्रकार से कहता है, आप ही कहिए, मैं अपने लिए आप अपने लिए, अगर उस कन्हैया से प्यार है आज, एक आंसू निकाल कर देखिए उस बाबा के लिए। बोली सच्चे दरबार की। और देखिए बड़ा सुंदर